हाय फ्रेंड्स, मैं सुल प्रियंका। मैं फिर आई हूँ एक बेविजुअल की वीडियो के साथ। पता नहीं क्या चल रहा है लोगों के माइंड में, क्या चल रहा है एक्चुअली। वो जिस चीज़ से रॉन्ग साबित कर ही नहीं सकते हैं, उस चीज़ को यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अंजलि दादा का कुछ भी नहीं है। तो वो दैट्स वाई वो मेरा श्रेया दे कलेक्शन का चिपका के खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, बट उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने वॉइस मैसेजेस सुना है जो कि आप लोगों ने क्लियरली सुन लिए, उसमें वॉइस क्लियर थी, इसलिए मैंने उससे कुछ भी उसके लिए मैंने कुछ कहा ही नहीं। फिर ये वॉइस लेके आए, सॉरी कॉल रिकॉर्डिंग लेके आए, उस कॉल रिकॉर्डिंग को ये रॉन्ग वे में यूज़ कर रहे थे, लाइक उसमें मुझे रॉन्ग साबित करने की कोशिश कर रहे थे, जिस हिसाब से मेरे पास इनके सब्सक्राइबर मैसेज कर रहे थे। तो मुझे लगा कि हो सकता है उसमें मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, इसलिए ये उसको ऐसा शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं रॉन्ग बोल रही हूँ, या मैं गलत हूँ, या इसमें अंजलि गलत है, या कुछ भी। तो मैंने उसको पॉइंट टू पॉइंट कल डिस्क्राइब कर दिया एक वीडियो में। अब ये चैटिंग लेके आ गए, जो हमारी व्हाट्सअप की चैट है वो लेके आ गए। लाइक क्या, कुछ भी कर लो, आप साबित हो चुके हो। पता है मैं तो आई नहीं थी, ना ही मैंने कभी अभी तक कभी ये बात शो की कि मैं डीएम मैडम जी को हॉस्पिटल देखने गई थी, उसकी कॉन्ट्रोवर्सी कर दी, उसको यूज़ किया धड़ल्ले से, फ्रूट्स को, लाइक हर चीज़ को मैंने, लेकिन अब तक नहीं बोली ये बात। उसके बाद अब इस चीज़ को ये कंट्रोवर्सी बना रहे हैं, कॉल करना, मैसेज करना, मतलब इसमें क्या कुछ नहीं होगा साबित, आप लोग खुद गलत साबित हो रहे हो। आप कितना भी कर लो, आप इसमें सही साबित नहीं हो सकते हो, चाहे कॉल मैंने किया हो, चाहे आपने किया हो, बट उसमें कोई बात ऐसी नहीं हुई जहाँ पे आप मुझे रॉन्ग साबित करो। जो भी हमारी व्हाट्सएप चैट हुई है ये लगा के घूम रही हैं, मैं उसको क्लियर करूँगी खुद बाकायदा पढ़ के, क्योंकि उसमें कुछ दिख रहा है कुछ नहीं दिख रहा है। तो चैट में हमारी जो बात हुई थी वो 15 जून 2023 में हुई थी, लाइक अभी। मैंने मैसेज किया था, हाय वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ, अगर आप चाहो तो। मैं इन्हीं का पढ़ रही हूँ, सी। इन्होंने बोला जी बोलिए। लाइक मैंने 7:45 बजे मैसेज किया था, इन्होंने मुझे 9:09 में आंसर किया सुबह, जी बताइए, हाय वेरी गुड मॉर्निंग, ये इनका मैसेज था। मैंने कहा बताइएगा आप जब फ्री होंगे कॉल करेंगे, तो इन्होंने मैसेज किया, मैं कॉलिंग मैम, कॉलिंग नॉट पॉसिबल, आप मैसेज कर लीजिए, बिकॉज यहाँ VPN इलीगल, लाइक अवैध है, गैर कानूनी है, कर लीजिए। तो अभी थोड़ा इशू चल रहा है यहाँ, लाइक वैसा जो भी है, आप बताइए क्या बात करना है, चाहे तो वॉइस नोट में बात कर लीजिए, कर लेते हैं। फिर मैंने इनको आंसर किया, आप दुबई हो ना, बट वहाँ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी फ्रेंड है वहाँ पर, पर डे बात कर रही है, उसका भी जॉब है वहाँ पे, ठीक है। तो इन्होंने मुझे उसके आंसर किया, ये हमारी 10:33 में बात हुई है, मैडम हाँ जी मैं दुबई हूँ, यहाँ VPN इलीगल है, चाहिए तो प्रूफ भी दे सकती हूँ। तो मैंने मैसेज किया, अरे ना जी जाने दीजिए, कोई बात नहीं, बात कोई ख़ास भी नहीं है। तो इन्होंने बोला ओके वेट, मैं इंडिया वाले नंबर से कॉल करती हूँ, ठीक है। फिर हमारी जो कॉल पे बात हुई वो हुई 10:37 यहाँ अगर दिख जाएगा, अगर कैमरा ब्लर नहीं करेगा तो, आई डोंट नो, ठीक है 37 पे। फिर हमारी कॉल में बात हुई, 1.5 घंटा जो बात हुई, जो इन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई कल, ये वही है, ठीक है। फिर इन्होंने, फिर आप देखिए, मतलब 10:37 पे हमारी बात हुआ जो सब हो गई। फिर ये शाम को मुझे 4:10 पे मैसेज करती हैं, मैम सॉरी प्लीज़ डोंट, हालांकि ये टोन मारना ही था, ठीक है, ये तुम जो लौट के आई थी फिर तुमने जो बोला था वो टोन मारना ही होता है। मैम सॉरी प्लीज़ डोंट माइंड, बट अंजलि के हस्बैंड तो TCDs में हैं, उनकी इनकम तो लाखों में होगी ना। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है, उसके हस्बैंड बालाजी में हैं, उनकी सैलरी तो लाख में है, इनफैक्ट उन्होंने अभी लास्ट मंथ ही फ्लैट लिया है खुद का मुंबई में। आपने बताया इसलिए पूछा, तो मैंने आपको बताया ही नहीं, मैंने तो TCD से रिलेटेड या अंजलि के हस्बैंड से रिलेटेड कोई पॉइंट रखा ही नहीं, कोई बात की ही नहीं, ठीक है। तो मैंने कहा पता नहीं यार, डेफिनेटली मुझे पता ही नहीं है। तो फिर उसी बात पे फिर मैंने भी एक बात पूछ ली, जो इनको इतनी खटक गई कि जाके सीधे लाइव आ गई,
और उसी दिन से अम्मा 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 का गीत गाने लगी, लाइव आने लगी, वीडियोस बनाने लगी, और वो पोइट्री लाइक जिसका कोई सेंस नहीं है वो बना के चिपकाने लगी, लाइक मेरा वेट करने लगी कि मैं आऊँ। तो मैंने इनको एक मैसेज किया, बट आपने मैसेज किया इसलिए पूछ रही हूँ, आप सेल नहीं करते हो तो फिर दो दिन पहले आपने एक सेलर से क्ले क्यों खरीदा है, काफी जानी मानी सेलर है। मैंने तो सिर्फ एक पत्ता फेंका था, ये मुझे नहीं मालूम था कि ये ट्रम है। आप खुद फंस गए उसमें, आपने खुद जा जा के लोगों को कॉल किए, मैसेज किए, उनको वॉइस नोट भेजे कि आप मेरी इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं, श्रेया द कलेक्शन के साथ में आप उनके साथ में मिल गए हैं, या आप उनको ऐसा ऐसा बोल रहे हो और वो मुझे धमकी दे रही है कि मैं तुम्हारी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक कर दूंगी, कॉल लीक कर दूंगी, नंबर लीक कर दूंगी। मैंने कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये एक मैसेज छोड़ा था, ठीक है? तुम फंस गई। मैंने बोला है ना कि सब लोग खुद आते हैं बाहर ये बताने कि सी हम क्या हैं, या हमने कहाँ गलती की है, या हम क्या कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं तो चुप हूँ, लेकिन आप लोग मुझे पता चुप नहीं रहने देंगे, आप सब बाहर निकलवाएंगे, मैं तैयार हूँ। मैंने लास्ट परचेज पिछले महीने किया था डिज़ायर मार्ट से। मैम रियली सॉरी, आपका नाम बार बार यहाँ पर लिया जा रहा है इसलिए मैं ले रही हूँ, कॉल में ले लिया इन्होंने इसलिए, मैं वरना मैसेज में भी छोड़ देती। उसके बाद करा कोई परचेस नहीं, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पर, बट वो ये लिखना चाहती थी शायद कि कोई मैंने परचेस किया नहीं, ओनली पिछले महीने किया था। फिर इन्होंने लिखा, और ना अंजना करके एक लेडी जो मुझे ऑल टाइम मुझे ना इंस्टा पे स्टॉक करती है, कर रही है, आई नो, उसी ने आपको बताया है। मैं किसी अंजना को नहीं जानती, पता है मेरी लाइफ में सिर्फ एक मेरी फ्रेंड है अंजना जो पीछे पिछली गली में रहती है। कोई अंजना मेरी लाइफ में नहीं है, या फिर वो हनुमान जी की माता रानी है अंजना, बस। तो मैंने इनको आंसर किया, नो मैं नहीं जानती अंजना को, जैसे जिससे लिया है वो मुझे जानती है बाय मिस्टेक, कोई बात नहीं, सारे सेलर एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने की बोला, आप उससे पेमेंट का स्क्रीनशॉट दिखवा दीजिए, मेरा लास्ट जो पार्सल है 11 केजी का था, जो बनवारा डिलीवर हुआ था, मैं झूठ कभी नहीं बोलती, ठीक है। ये यहाँ पे भी एक्सेप्ट कर रही हैं कि लास्ट मंथ 11 केजी का पार्सल इनका गया था डिजायर मार्ट से, और सिटी बनवारा सिटी या जो भी है, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, आप ये सब सारी चीज़ें लेके आए हो, आपने मजबूर किया है। मैं चुप बैठी थी, मैं तब भी चुप बैठी थी जब डियर मैडम जी का टॉपिक चल रहा था, जब वो हॉस्पिटल कर रहे थे तब भी मैंने कुछ नहीं कहा, मैं अभी भी कुछ नहीं कह रही थी, तो मेरे वॉइस नॉट लाई मैंने तब भी कुछ नहीं कहा, तुमने वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाई मैंने तब भी कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम कॉल लेके आई, और वो कॉल मेरा था, अगर वो किसी और का होता तो मैं कभी नहीं आती, लेकिन वो कॉल मेरा था, इसलिए वो आप गलत वे में यूज़ कर रहे थे, अब आप चैट का गलत यूज़ कर रहे हो। कर लो, आपके पत्ते हैं, मैं पढ़ लेती हूँ। तो इन्होंने मैसेज किया, मैं बिना जी से, मैं हाँ सॉरी, यहाँ पे सेलर्स का नाम है मैं नहीं लूँगी, यहाँ पे चार सेलर का नाम है, उन चारों में से मैं तीन को जानती हूँ, ठीक है। तो आपको जिसने भी बताया हो ना मैटर, अगर मैंने दो दिन पहले लिया है तो काइंडली पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे ज़रूर दिखाना, या फिर मुझे ऑर्डर की डिटेल दे देना। तो मैंने कहा ओके, कोई ना, जाने दीजिए। तो इन्होंने कहा नहीं, सच में आप मुझे प्रूफ दे दीजिए, चाहिए तो मैं आपको देती हूँ, मेरे पास पेमेंट हिस्ट्री है कि मैं कब किसको कितना पेमेंट की हूँ, मुझे लेनी चाहिए थी, गलती हो गई। वेल एजुकेटेड। तो मैंने बोला जी बिल्कुल परेशान ना हो, जब ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर, ना ना दिखाऊंगी करूंगी, मेरी भी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। फिर इन्होंने मैसेज किया, मैडम बात आपने छेड़ी है, आपने मुझे ले
मुझे ले इल्ज़ाम लगाया है, अच्छा मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है और आप प्रूफ भी नहीं दे रहे हो। मैंने उसी वक्त बात ख़त्म कर दी थी, मैंने इन्हें मैसेज किया था, अरे अनामिका आप ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसा कोई नहीं कुछ नहीं है, आप गलत क्यों सोच रहे हो जब आपने कुछ किया ही नहीं, आप गलत ही नहीं हो तो फिर क्या प्रॉब्लम, कोई नहीं आप प्लीज़ परेशान मत हो, मैं इस बात को यहीं ख़त्म कर रही हूँ, आगे नहीं खींचना चाहती। आप बता दो मैंने कहाँ किस जगह इस बात को रख दिया कि अनामिका सेल करती है, अनामिका सेलर है, अनामिका ने फलाने से लिया, ढिमके से लिया, जबकि मैं सब सेलर को जानती हूँ। मैं उस सेलर के पास भी नहीं गई पूछने के लिए एक बार भी। हाँ एक मैसेज छोड़ा था बस। शरादे कलेक्शन चाणक्य, शरादे कलेक्शन शातिर, शरादे कलेक्शन स्मार्ट, शरादे कलेक्शन करमचंद, शरादे कलेक्शन कितने सारे नाम है मेरे मुझे सारे नाम प्यारे हैं, मैं तो सारे नाम एक्सेप्ट करती हूँ, गट्स है मुझ में भी एक्सेप्ट करने के। फिर इन्होंने मैसेज किया 17 जून को, ठीक है ये 15 हमारी बात हो गई थी। जी आपने बताया नहीं अंजलि रेडी है ना ऑपरेशन के लिए, हेल्प लेना तो मैं कल टीम को बता दूं, अगर रेडी है तो आप रिपोर्ट्स मंगवा दीजिए सारी, मैं कल ही टीम को बता दूंगी। उसकी बेटी की एज क्या है और ऑपरेशन कब होना है, सारी डिटेल आप मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए। 17 तारीख को इन्होंने मुझे ये मैसेज किया है और जब तक इन्होंने अपनी टीम से बात नहीं की, आप डॉक्यूमेंट्स दे दो तब मैं बात करूंगी। और कल लाइव में क्या बोल रही हो आप डियर मैडम जी के साथ में, मैंने उसी दिन अपनी टीम से बात कर ली, मैंने एक नहीं 10-15 लोगों से बात कर ली। अरे झूठ की लिमिट क्रॉस कर रखी है, अरे कितना झूठ बोलोगी, फेंको पत्ते फेंको, खेलो रमी खेलनी है ना, रमी खेलनी है खेलो, चलो खेलते हैं हम भी, खेल लेंगे हमारे पास भी अच्छे अच्छे पत्ते हैं, ठीक है। इन्होंने ये हमको मैसेज किया था, उसके बाद मैंने इनको मैसेज किया था, उसके बाद मैंने इनका मैसेज देखा ही नहीं। फिर 23 जून को फिर इनका मेरे पास मैसेज आता है, ना मैंने इन्हें उस दिन आंसर किया ना मैंने इनका मैसेज सीन किया। प्रियंका जी अंजलि का नंबर दीजिए प्लीज़, मुझे उससे कुछ बात करनी है। ये उस दिन की बात है जिस दिन अंजलि रात को 12:30 के बाद लाइव आ गई थी और उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं था, वो लाइव मैंने अभी तक नहीं देखी, आज तक नहीं देखी, मुझे पता ही नहीं था। उस दिन अंजलि मुझसे बात कर की उसने 10:30 बजे तक, उसके बाद वो रिलैक्स थी, नॉर्मल थी, आई डोंट नो फिर मैडम जी की कौन सी वीडियोज़ आई जो उसको हिट कर गई और उसने सडनली लाइव जाने का फैसला कर लिया। उस दिन इन्होंने मुझे मैसेज किया, बट इन्होंने नंबर अंजलि का फिर डियर मैडम जी से ले लिया क्योंकि उनके पास था, और वो अंजलि का नहीं था, उनके हस्बैंड का था, ठीक है। उसके बाद मैंने इनको रिप्लाई किया था, इनका सुबह 11:11 में मैसेज था, मैंने इनको 1:27 पर आंसर किया था, अनामिका प्लीज़ अंजलि बहुत परेशान है, आपकी परेशान है। तो फिर इनका जो मैसेज था प्रियंका जी नंबर दीजिए, तो मैंने उसको पिन किया था, आपकी हो तो गई है अंजलि से बात, तो उन्होंने बोला हाँ मैंने आपको आपके अलावा मैम से भी मांगा था, लाइक डियर मैम से मांगा था तो मिल गया था मुझे नंबर, बात हो गई, ठीक है। तो मैंने उसको जब बोला आपकी हो तो गई बात, तो उन्होंने भी उसको पिन किया, मेरी वजह से है क्या, लाइक अंजलि परेशान मेरी वजह से है क्या, तो मैंने इनको वॉइस नोट भेजा था जो आप कल सुन चुके हो कि नहीं नहीं तुम्हारी वजह से नहीं है, वो तो ये सब जो कंट्रोवर्सी हो रही है जो चल रहा है उसकी वजह से, दैट्स इट। अभी यहाँ तक इन्होंने मेरा चैट चिपकाया है, बाकी का चिपकाएंगी मैं बाकी का सुनाऊंगी। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो और आई एम रियली सॉरी कि आपका कीमती वक्त खराब हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, लोगों को शांत रहना नहीं आता है, वो ज़बरदस्ती आपको खींचेंगे, आपका कोई फॉल्ट है या नहीं है उनको कोई लेना देना नहीं है, बट वो कहीं पर गलत साबित ना हो जाए उनको उस चीज़ का डर है, इसलिए वो लगे पड़े हैं बेफिजूल की चैट्स वॉइस ये सब सुनाने में, ठीक है। अभी हमारे पास डियर मैडम जी की भी चैट्स पड़े हुए हैं, कॉल रिकॉर्डिंग है, वॉइस नोट्स है, सब कुछ है, अगर वो आएंगी तो उनका भी सुना देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप हमारी चीज़ों को गलत तरीके से यूज़ करेंगी तो हमें उनको सही वे में यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।